पेट्रोल को ले लिया, ये मैंने आग लगा दिया है, चारों टायर्स के ऊपर आग लग चुकी है। और देख सकती है पे मैं ड्रिफ्ट करा रहा हूँ, कार ड्रिफ्ट तो कर रही चुकी है। ओ भाई साहब, इसका जो ऊपर का कवर है ये पूरी तरीके से। तो आज मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ रियल ब्लैक बीस्ट ड्रिफ्ट आरसी कार। ये रही, एक्चुअल में इसका नाम भी बीस्ट आरसी कार है, ये कंप्लीटली ड्रिफ्टिंग आरसी कार है। मॉडल इस तरीके का मिल जाता है। ये कार दो अलग अलग मोटर्स के साथ आती है, एक ब्रशड मोटर है, दूसरा ब्रशलेस मोटर है। मैंने खास तौर पे ब्रशड वाला मॉडल खरीदा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकता है। इसका प्राइस है 6,000 रुपीज। आज इसकी मैं फाइट कराऊंगा बहुत ही अलग अलग कार्स के साथ। जैसे कि गाइस इधर आ जाओ, ये है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट बुगाटी ड्रिफ्टिंग कार। इसका साइज देख रहे हो, मेरे पास जितनी भी कार्स है ये उन सब में सबसे ज्यादा बड़ी बुगाटी आरसी कार है। ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। आज ये कार के साथ एक मैं बहुत ही खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि कार जब ड्रिफ्ट करती है तो उसके व्हील्स के ऊपर आग लगा के टेस्ट करने के लिए। तो आज ये इतनी बड़ी बुगाटी के साथ हम लोग आग लगा के टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं गाइस फिर ये कार किस तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह कर पाएगी। आज देखो गाइस मेरे पास और भी बहुत सारी कार्स आ चुकी है। ये है डाईकास्ट मॉडल जैसी दिखाई देने वाली कार, पर एक्चुअल में ये एक आरसी कार है। दिखने में पूरी की पूरी फॉर्मूला वन कार जैसी ये दिखाई देती है। एक और कार भी मैं लेके आ चुका हूँ, ये दिखने में पूरी की पूरी अपनी फेलोनी ब्लैक बीस्ट जैसी दिखाई देती है, पर ये उसका छोटा मॉडल है। ये बहुत ही कम प्राइस में मैंने खरीदा है। चलो गाइस फटाफट से आज मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, फिर सभी कार्स को टेस्ट करते हैं और आग लगा के भी टेस्ट करते हैं व्हील्स के ऊपर। चलो, जो ब्रशलेस मोटर की चैसिस है वो किस तरीके से दिखाई देती है। ब्रशलेस मोटर यहाँ पे लगाई गई है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। बॉक्स के इस तरफ ब्रशड मोटर वाले मॉडल के चैसिस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सामने की तरफ एक बड़ा सा बम्पर भी लगा हुआ है। तो चलो बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है, साथ में इसके अंदर एक और बॉक्स दिया गया। सबसे पहले मैं आपको कार दिखाने वाला हूँ। माय गॉड, क्या ही तगड़ी दिखाई दे रही है यार। सच में ये कार का वेट बहुत ज्यादा दिया गया है दूसरी कार्स के मुकाबले में। सामने ब्लैक दिया गया है, पीछे की तरफ थोड़ा ग्रीन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे बीस्ट का लोगो देखने को मिलेगा। सामने की तरफ से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है ये कार। यहाँ पे इसके हेडलाइट्स है, ये शायद इसके फॉग लैंप बोल सकते हो, इसको ऑन करने के बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पे बहुत सारी एलईडी लाइट्स भी दी गई है। नाइट में तो यार इसको चलाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसकी टेल लाइट है और ये काम भी करती है। और इसको रखते हैं साइड में, अब देखते हैं यार इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोलर है, ये रिमोट काफी अलग टाइप का मेरे को लग रहा है। इसकी स्टीयरिंग के अंदर जो कार का टायर होता है उसी तरीके का डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। ऊपर की तरफ दो नॉब्स है। अरे यार व्हील्स तो मेरे को, अच्छा यहाँ पे व्हील्स नजर आ रहे हैं, अभी दिखा देता हूँ। ये मैं आपको फटाफट से ओपन करके, इसके अंदर चार व्हील्स है और ये कम्प्लीटली फ्लैटेड है। आप देख सकते हो इसके ऊपर बिल्कुल भी थ्रेड या फिर ग्रिप नहीं दी गई है। अच्छी क्वालिटी के व्हील्स मेरे को लग रहे हैं। ये रही इसकी रिचार्जेबल बैटरी, 7.4 वोल्ट 1300 mAh की लायन बैटरी इसके साथ दी गई है। तो ठीक है, अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आरसी डाईकास्ट फॉर्मूला वन आरसी कार को। यहाँ से मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो चुका है बॉक्स, यहाँ पे है हमारी कार। ये कार बहुत ज्यादा मजबूत है यार। अगर आप इसको पहली बार देखोगे ना आपको लगेगा कि ये कम्प्लीटली मेटल की बनी है, पर एक्चुअल में ये मेटल नहीं है, बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। इसके अंदर बूस्टर ऑन करने के लिए पानी डालना पड़ता है, तो पानी के प्लेस में हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे, फिर गाइस इसको चलाएंगे। उसके बाद इसके बूस्टर में मैं फायर लगा के भी चलाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं फिर क्या चीज होती है, ये रहती है या फिर इसके अंदर धमाका होता है। सबसे पहले इन दोनों कार्स के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं, क्योंकि दोनों कार्स दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग है। ये ब्लैक बीस्ट फेलोनी जैसी दिखाई दे रही है और भाई इसका तो नाम देख लो, बीस्ट है। दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है, दोनों का साइज बिल्कुल सेम टू सेम है और दोनों ही कार्स बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। अभी इन सबके बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं कौन जीतता है। ये सभी कार्स एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी तो यार यहाँ पे बुगाटी ड्रिफ्ट कार है, इनकी पेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होने के कारण इसलिए इतना ज्यादा चमचमा रही है। सबसे पहले बीस्ट प्रो को मैं चलाने वाला हूँ, ये एक मसल आरसी कार है। ये कार बहुत अलग तरीके का स्टंट कर सकती है। मैंने आज से पहले दो व्हील्स के ऊपर इस तरीके का स्टंट करते हुए कोई भी कार को नहीं देखा। एक बटन दबाऊंगा तो ये अपने आप को सीधा भी कर देती है। अभी तक मैंने इसके अंदर ड्रिफ्ट वाले व्हील्स नहीं लगाए, इस वजह से ये इतना ज्यादा तेजी से चल रही है। और अगर मैं इसको
ड्रिफ्ट करा रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रही है। अब देखो इसके अंदर मैं ये ड्रिफ्ट वाले व्हील्स लगाने वाला हूँ। उससे पहले इसके थ्रेडेड व्हील्स को यहाँ से खोल के निकाल देते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिप होने के कारण ये प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही थी। इसका ब्रेक भी आप देख सकते हो। अब ड्रिफ्ट वाले व्हील्स मैंने इसके ऊपर फिट कर दिए। इसको कंट्रोल करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कार बहुत ज्यादा फास्ट है। आप देखोगे मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके ड्रिफ्ट कराऊंगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट करने लगी है। बिल्कुल गाइस एक रियल कार जिस तरीके से ड्रिफ्ट करती है ये वैसे ही ड्रिफ्ट कर रही है। और यहाँ पे सरफेस भी बहुत ज्यादा स्मूथ होने के कारण कार देखो बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट करने लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में भी दिखाने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है कि इसके व्हील्स उल्टे घूम रहे हैं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये कार एकदम खतरनाक है यार ड्रिफ्ट करने के मामले में। अब देखो 360 डिग्री स्पिन भी करा के देखा, ये इतनी ज्यादा स्पीड से स्पिन करती है कि यार अगर आप इसको ऐसे ही पकड़ लो ना आपके हाथ पे काफी ज्यादा चोट भी लग सकती है। ठीक है नो डाउट कार एकदम मस्त है। की लाइट्स को टेस्ट करते हैं गाइस। ऊपर की तरफ एक एलईडी बार दिया गया है और इसकी हेडलाइट में अलग अलग पैटर्न भी दिए गए रेड कलर में, तो यार ये एकदम खतरनाक लग रही है भाई। सामने देखो कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है। अब इसको नाइट में एक बार 360 डिग्री स्पिन करा के देखते हैं। ओह माय गॉड क्या ही खतरनाक दिखाई दे रही है यार ये कार। अगर गाइस इसको नाइट में चलाएंगे ना और भी ज्यादा मजा आने वाला है भाई। अब ये बुगाटी कार के ऊपर आग वाला एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा चला के भी बता देता हूँ कि ये कार कितनी ज्यादा तगड़ी है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। काम करते हैं इसके थ्रेडेड व्हील्स को निकाल देते हैं। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ इसके ड्रिफ्ट वाले व्हील्स लगा रखे हैं। देखो गाइस ये कार एकदम मस्त है। अब मैं इसको ड्रिफ्ट कराने वाला हूँ। कितनी ज्यादा आसानी से मैं ये कार के अंदर ड्रिफ्ट करा पा रहा हूँ। मजा आ जाता है। बॉडी थोड़ी सी हल्की फुल्की होने के कारण ये इस तरीके से वॉबल करने लगी है। ये कार की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप इसको रोड पे चलाओगे ना आपको कार प्रॉपर तरीके से नजर तक नहीं आएगी। अब मैं डाईकास्ट फॉर्मूला 1 RC कार को चलाने वाला हूँ। पीछे का बूस्टर प्रॉपर तरीके से इसका काम कर रहा है। ये कार बिल्कुल भी ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही है गाइस। नो डाउट इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है पर ड्रिफ्ट करने के मामले में ये कार मेरे को एकदम बेकार लगी। बाकी इसकी हेडलाइट मैं जिस तरफ का स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ उस तरफ की हेडलाइट इसके अंदर चल रही है। हरिकेन RC कार के अंदर भी बहुत डिफरेंट तरीके की हेडलाइट दी गई है। इसके हेडलाइट के अंदर अलग अलग तरीके की लाइट्स आ जाती है। टर्न इंडिकेटर भी इसी के अंदर दिया गया है। यहाँ भी अब दोनों के बीच में मैं 360 डिग्री स्पिन टेस्ट कराने वाला हूं। देखते हैं सबसे तेज कौन घूमता है। मेरे को लगा था कि बीच प्रो सबसे तेज घूम सकती है पर यहां पे मैं पूरी तरीके से गलत था। ये हरिकेन कार इससे भी ज्यादा तेजी से 360 डिग्री घूम सकती है। अगर दोनों के बीच में टक्कर हो जाए ना तो दोनों कार्स के पर कच्चे उड़ सकते हैं। अभी यहां पे मैंने लाइट्स को बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि यार यहां पे दिवाली की चक्री घूम रही है। इतनी ज्यादा ब्राइट हेडलाइट दी गई है दोनों ही RC कार्स के अंदर। अब हरिकेन RC कार का भी ड्रिफ्ट टेस्ट करके देखते हैं। नो डाउट ये कार भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है पर इसके सामने के टायर्स सिर्फ 30 डिग्री तक टर्न होते हैं। वहीं बीच प्रो के सामने के टायर 45 डिग्री तक टर्न होते हैं। इस वजह से वो कार को ड्रिफ्ट कराना बहुत ज्यादा इजी है इसके मुकाबले में। अब होगी आमने सामने वाली फाइट। देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में टक्कर बराबर की हुई। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि बीच प्रो कार हरिकेन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने तो यार चुटकी बजाते ही हरा दिया इसको। अब बीच प्रो कार का टगो फोर कराते हैं डाईकास्ट फॉर्मूला 1 कार के साथ। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गाइस ये फॉर्मूला 1 कार इसके सामने इतनी जल्दी हार मान जाएगी। क्लियरली आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होगी गाइस। बुगाटी ड्रिफ्ट कार वर्सेस बीच प्रो के मुकाबले में टक्कर बहुत ही खतरनाक सी हुई है इन दोनों के बीच में। मेरे को लगा था कि गाइस बीच प्रो जीत जाएगी पर बुगाटी कार इससे ज्यादा बड़ी है और इसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण ये बहुत ज्यादा आसानी से बीच प्रो को पीछे ढकेलने में कामयाब हो चुकी है और ये बहुत इजीली जीत भी चुकी है। ओके दोस्तों अब टाइम आ चुका है बुगाटी ड्रिफ्ट कार का टेस्ट करने के लिए। इनके व्हील्स के ऊपर मैं ये स्प्रे करूंगा उसके बाद इसके ऊपर आग लगाएंगे फिर ड्रिफ्ट कराते हैं गाइस। ये एक फ्लेमेबल स्प्रे है। देखते हैं टायर्स के ऊपर आग लगाने के बाद ये कार कितनी अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर पाएगी। यहाँ पे मैं आग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके व्हील्स के ऊपर पर आग लगी नहीं रही यार। मेरे को लग रहा है इसके व्हील्स काफी ज्यादा डिफरेंट है इस वजह से मेरे को नहीं लगता ये फ्लेमेबल स्प्रे इसके ऊपर जरा भी काम करेगा। देखो गाइस बहुत ज्यादा कोशिश कर चुका हूँ आग लगाने के लिए पर ये आग नहीं पकड़ रही थी। अब मैंने यहाँ पे पेट्रोल को ले लिया है इनके व्हील्स के ऊपर मैं अभी लगा दूंगा फिर इसके ऊपर आग लगाएंगे गाइस। देखते हैं क्या चमत्कार होके आता है। ये मैंने आग लगा दिया है चारों टायर्स
के ऊपर आग लग चुकी है और तो और आग अंदर तक जा चुकी है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट करा रहा हूँ। कार ड्रिफ्ट तो कर रही थी पर यहाँ पे कार को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। कार के अंदर पूरी की पूरी आग घुस चुकी है। ओ भाई साहब, कार यहाँ पे पलट गई थी अचानक से। और ये देखो गाइस, इसका जो ऊपर का कवर है ये पूरी तरीके से पिचक चुका है यार आग लगने के कारण। फिर भी ये कार इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसके व्हील्स अभी भी घूम रहे हैं, इसकी बैटरी अभी भी काम कर रही है। देखो मैंने इसको सीधा कर दिया है। एक और बार मैंने इसके ऊपर पेट्रोल लगा दिया। इस बार मैंने जैसे ही आग लगाया, ये खतरनाक सा धमाका हुआ था यार इसके अंदर। भाई ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है मेरे को। अभी भी देखो कार की लाइट्स काम कर रही है, कार की मोटर भी काम कर रही है। जस्ट इसके ऊपर जो प्लास्टिक वाला गियर आता है वो कम्प्लीटली पिघलने के कारण इसके व्हील्स आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। सच में गाइस, इतनी ज्यादा मजबूत कार मैंने मेरी लाइफ में भी नहीं देखी है। इतनी ज्यादा आग लगने के बाद अभी भी ये कार प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो ये आग लगाकर ड्रिफ्ट वाला एक्सपेरिमेंट तो यार रियल लाइफ में ये काम नहीं करेगा, अब मेरे को पता चला है। तो ये कार के ऊपर भी मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। इसके बूस्टर के अंदर पानी के प्लेस में पेट्रोल डालकर टेस्ट करूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। फिर इसके बूस्टर में आग लगाते हैं गाइस, देखते हैं फिर क्या होता है। यार ये बूस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे ही बूस्टर को ऑन करते हैं तो ये कार की स्पीड दोगुना ज्यादा बढ़ जाती है। पेट्रोल डालने के बाद आग लगाएंगे तो देखते हैं ये कार के अंदर क्या होता है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये 20 प्रो कार कैसी लगी। मेरे को तो यार एकदम तगड़ी लगी। तो चलो गाइस अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है जाकिर, हेमाद्री, अतुल, संजय, आजाद, अभिषेक, शाहजमान, अल्फाज, समर, आकाश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।